आउरी हो रो आउरी हो रो आउरी हो रो जय श्री राम फिर से बोल जय श्री राम जय श्री राम आओ बोलो जय श्री राम जोर से बोलो मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुसलमानों के खिलाफ देश में किस तरह से नफरत फैल चुकी है आप इस वीडियो को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। 3 मुस्लिम व्यक्तियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनसे कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई गई और यही नहीं उनसे जय श्री राम के नारे भी मजबूरन लगवाए गए। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के खरगोपुर के डिमुर गांव का है। आपको बता दें कि देश में जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों के कुछ नेता मुस्लिम विरोधी बयान दे रहे हैं अब उसका असर आम इंसान पर भी पड़ रहा है और गोंडा जिले का ये वीडियो ताज़ा इसका उदाहरण है। 3 मुस्लिम व्यक्तियों को जो गांव में मांगने के लिए आए थे तभी कुछ लोग उनको पकड़कर उनका नाम पूछते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं उनसे और कान पकड़कर उन्हें उठक बैठक करवाते हैं और जब इनका इतने से भी दिल नहीं भरा तो उनसे जय श्री राम के नारे भी लगवाए गए और वो भी ज़बरदस्ती। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 3 व्यक्ति जो फकीर की वेशभूषा में हैं और इनके साथ एक व्यक्ति द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। जब संपूर्ण घटनाक्रम की जाँच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि ये 3 व्यक्ति खरगोपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा खरगोपुर डिंगुर में ये गए थे। वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा इनके बारे में पूछताछ की गई, इनके नाम पता जानने की कोशिश की गई तो इस पर इनके द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। इस पर एक व्यक्ति द्वारा इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस सूचना पर थाना खरगोपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और इस तथ्य की भी जाँच की जा रही है कि ये 3 व्यक्ति कौन लोग थे और किस कारण से उस गांव सभा में गए थे।